अस्सलाम वालेकुम। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और 6 मल्टीप्लाई हो गए, तो 5 6 30 हमारे पास आ गया प्लस 30। अब प्लस 30 है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो अब हमने इस वाले नंबर से नीचे जाना है। यानी आपने थोड़ा सा अपोजिट सोचना है कि हमारे पास ये जो सर्कल वाला नंबर पॉजिटिव आ गया है, तो एक्स के कोएफिशिएंट से हमने नीचे जाना है। तो माइनस 13 है तो हमने नीचे जाना है, तो माइनस 12, माइनस 11, माइनस 10 और इस तरह से हमने जाना है, और बारी बारी हमने 1 2 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 30 नहीं आ रहा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 22, 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 30। तो इसका मतलब ये वाला पेयर हमारे काम का है, 30 आ गया है, लेकिन मुझे माइनस 30 आ रहा है क्योंकि माइनस 10 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30 आएगा, और मुझे क्या चाहिए, प्लस 30 चाहिए। तो मैंने माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करना, यानी माइनस 3 लगाना है। तो 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 के साथ, तो प्लस 30 आएगा। तो अब ये वाला पेयर जो है, यानी माइनस 10 और माइनस 3, ये हमारे काम आएगा। तो अब लिखते हैं 6x2। अब बीच वाला जो नंबर है ये नहीं लिखेंगे, ये पेयर लिखेंगे। अब ये क्या है, माइनस 10x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक 2 कॉमन आ सकता है और एक एक्स का मन आ सकता है। 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6, एक्स एक बाहर चला गया, माइनस 2 5 10। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस 3 कॉमन आ सकता है, तो 3x माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये वाला साइन चेंज होगा, तो माइनस 3 बन जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा 2x और इधर रह जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने x का आंसर फाइंड करना है, तो 3x रहने दें, माइनस 5 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो प्लस 5 बन जाएगा। इस तरह x इज इक्वल टू 5 और ये वाला जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, मैंने माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/3। और इस तरह यहाँ पर 2x इज इक्वल टू ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/3।